सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर हैं रिजर्वेशन के, वो सब कमजोर वर्गों के खिलाफ। मैं तो ये मानता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट में चरित्र है तो उनको सबसे पहले अपने यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करनी चाहिए। आप में ऐसी कौन सी योग्यता है? कोई टेस्ट होता है चपरासी के लिए? टेस्ट होता है यार, लेकिन उसके लिए बस एक ही योग्यता है कि आपके बाप जज रहे हों, आपके दादा जज रहे हों, आपकी माँ जज रही हो, आपकी बहन जज रही हो। आरएसएस के लोगों की, भाजपा के लोगों की, सुप्रीम कोर्ट की, कि इस आरक्षण को खत्म किया जाए, जातिगत आरक्षण को, और इसका आधार आर्थिक किया जाए, ये उसमें मील का पत्थर है जो ऑर्डर आया। अगर आपको इतनी चिंता है, आपकी नीयत इतनी इन वर्गों के लिए अच्छी है, तो इतना बड़ा बैकलॉग खाली पड़ा है, आज तक आपने उसमें क्यों नहीं प्रयास किया कि ये बैकलॉग भरा जाए? जब इन सरकारों ने लेटरल एंट्री जारी की, कभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया कि इसमें भी एससी एसटी के लोगों को जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका मिलना चाहिए? आज हमारे ही लोग तो उनको खुशी महसूस हो रही है कि भाई इनको लगता है इससे उनको अवसर मिलेंगे। वो जब रोस्टर बनेगा तो उनको उनकी जो है ना आंखें खुल जाएंगी, उनको पता लगेगा कि उनको तो कहीं जगह मिली ही नहीं। ये मैं वो दर्द है जो आपको बता रहा हूँ कि हम कुछ ही बन जाएं लेकिन हमारा कास्ट स्टेटस नहीं बदलता। जाति तो आदमी के साथ आती है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि भारत में जाति व्यवस्था एक ऐसी सीढ़ी है जो जिस पायदान पे पैदा होगा उसी पे मरेगा। तो अगर इतने क्रीमी लेयर पैदा होगी तो फिर एनएफएस कैसे हो रहा है? इतने पद खाली कैसे जा रहे हैं? पूरे वर्ग के लिए तो लड़ लेते हैं, हमारी एकता है तो हमारी ताकत है। अगर एनएफएस होगा तो पूरी जमात जो आगे लोग निकल गए वो लड़ लेते हैं। हमारे भाइयों को कुछ मिलेगा तो हम तो सबसे आगे खड़े हैं, पलके बिछा के, कि उनको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो देने वाला है वो दे रहा है या पीठ में चाकू घोंपने का काम कर रहा है, ये भी हमें समझना पड़ रहा हूँ। कि आपस में शेड्यूल कास्ट के लोग कोई विवाद मत करो और सरकार से कहो तत्काल जातिगत जनगणना करा के आंकड़े जारी कर दे, आर्थिक आंकड़े, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एससी एसटी के आरक्षण को लेकर के जो भी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट में हुई उसको लेकर के राजनीतिक हलकों से लेकर सामाजिक जगत में भी हलचल पैदा हो गई। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ में हैं, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है उसका मैसेज समाज में और पार्टी में भी जाता है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ही देखना चाहता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को देखने के लिए मुझे किसी दूसरे चश्मे की जरूरत नहीं, इसी से दिख जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर हैं रिजर्वेशन के से जुड़े हुए, वो सब कमजोर वर्गों के खिलाफ है। और जब ईडब्ल्यूएस पे उनका ऑर्डर आया तो वो ऐसा था जैसे एक भाई दूसरे भाई की पीड़ा के बारे में सोचता है। तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा रिजर्वेशन पॉलिसी को ये समझो आप, सुप्रीम कोर्ट की के ऑर्डर को समझने से पहले हमें रिजर्वेशन पॉलिसी को समझना पड़ेगा। रिजर्वेशन तो हम इसको कहते हैं, असल भी इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन। तो एक विभाग में किस जाति के, किस समाज के कितने कर्मचारी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है भारत की, उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुस्लिम कितने कर्मचारी, कितने न्यायाधीश हैं, ये हमें सबसे पहले देखना चाहिए। भाई पहले मैं अपने गिरवान में झांकूं तब दूसरे से कुछ कहूँ। मैं तो ये मानता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट में चरित्र है तो उनको सबसे पहले अपने यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करनी चाहिए। अगर वो अपने यहाँ नहीं करते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब ये माना जाए, क्योंकि हर फैसले के पीछे नीयत होती है, मोटिव। और मैं जब जेल में था 16 महीने की, तो मैंने जब भगत सिंह को पढ़ा तो भगत सिंह ने बात कही, मैंने एक और इंटरव्यू में कोट की है, कि जिस जज ने प्राण दंड की का ऑर्डर दिया है, फांसी जैसी सजा का ऑर्डर दिया है, अगर उस ऑर्डर से उस जज का मोटिव हटा दिया जाए तो उस जज में और हत्यारे में कोई ज्यादा फर्क नहीं। असल बात है मोटिव। क्या सुप्रीम कोर्ट कमजोर वर्गों को की तरक्की के लिए उनकी नीयत है, इस बात को समझना बहुत जरूरी। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट हो, आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या और बहुत सारे छिपे हुए लोग हों जो इस देश में पहले दिन से चाहते थे कि आरक्षण व्यवस्था लागू ना हो और उनका एक छत्र राज बना रहे, फिर जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय
बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान लोग थे, सर छोटू राम जैसे महान लोग थे, तो तब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और उसकी शुरुआत देखे इन्होंने नहीं की थी, रिजर्वेशन की रिप्रेजेंटेटिव शुरुआत जो हुई वो हुई इस आधार पे, और की किसने, वो हुई छत्रपति साहू जी महाराज के समय में। और आधार क्या था, सामाजिक पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व की कमी, ये उसका आधार था। कभी उसका आधार आर्थिक रहा ही नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा कि वो जो छिपा हुई मंशा थी आरएसएस के लोगों की, भाजपा के लोगों की, सुप्रीम कोर्ट की, कि इस आरक्षण को ख़त्म किया जाए, जातिगत आरक्षण को, इसका आधार आर्थिक किया जाए, ये उसमें मील का पत्थर है जो ऑर्डर आया। ये सही मायने में जातिगत आरक्षण को ख़त्म करने के लिए सबसे ठोस कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, और लंबे समय से इसका इंतजार इस देश में छिपे हुए लोग, वो लोग जो मन से हमें भाई कहते हैं लेकिन जिनके मन में इस बात की पीड़ा है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग कुर्सियों पर क्यों बैठने लगे, अपने अपने मंचों में कहते थे। आप सब नोटिस करो कि भाजपा एक नारा देती थी 400 पार का, आखिर वो 400 पार करके करना क्या चाहती थी, सवाल ये। भाई सत्ता में तो आप आज भी हो, सत्ता में आप दो बार पैदा, लेकिन 400 पार करने क्या मतलब। तो जो काम आप सीधे सीधे नहीं करा पाए, अब उस काम को आपने सुप्रीम कोर्ट के जरिए कराया, तो ये मुझे इसके पीछे सरकार का मोटिव, क्योंकि सरकार ही गई है और फिर वहाँ बड़े बड़े वकील, नामी वकील खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल साहब, मुझे नाम लेने में कोई हमेशा आरक्षण विरोधी रहे हैं, और उनको राज्यसभा किसने भेजा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनका समर्थन भी किया, बाहर निकल के उनके नेता ने समर्थन किया कि हम तो चाहते थे 60 साल में समाजवादी के लोग। तो ठीक है, अब तक तो हमें जो है ये समझ रहा था कि भाई हमारे ये पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं समझदार लोग, इनको भी हमारा दर्द समझ में आता, लेकिन उस बात के बाद लगा इनको भी समझ नहीं आता हमारा दर्द। तो मैं समझता हूँ, उधर सलमान खुर्शीद साहब खड़े थे, वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, तो हमारा हमें जातिगत आरक्षण हमारा ख़त्म करने में सिर्फ भाजपा के लोग शामिल नहीं, कई और लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में भी समाज को चिंतन करना चाहिए। अच्छा, वर्गीकरण को किस आधार पर देखते हैं, क्योंकि जब वर्गीकरण की चिंता होती है, मैं भी समाज में देखता हूँ जब उसकी चर्चा होती है, तो लोगों को लगता है ओबीसी की बात होगी तो कहेंगे कुछ खास जातियाँ मलाई खा रही हैं, एससी की बात होगी तो कहेंगे कुछ खास जातियाँ मलाई खा रही हैं। इस तरीके से समझाया जा रहा है कि वर्गीकरण होगा तो एससी की और ओबीसी की और जातियों को फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए, वर्गीकरण पे फिर मैं ये कहूँगा, मोटिव, नियत को समझना पड़ेगा, और नियत कभी आरक्षण देने की थी नहीं, नियत तो थी कि इस आरक्षण को आर्थिक आधार पर करके, और इसका एक फॉर्मूला है कि जब आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो सबसे अमीर आदमी के लिए आसान होगा सबसे गरीब व्यक्ति का सर्टिफिकेट बनवाना, और ऐसा यूपीएससी के उसमें आपने बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ईडब्ल्यूएस के आसानी से बन रहे हैं। तो सवाल ये है, अगर आपको इतनी चिंता है, आपकी नियत इतनी इन वर्गों के लिए अच्छी है, तो इतना बड़ा बैकलॉग खाली पड़ा है, आज तक आपने उसमें क्यों नहीं प्रयास किया कि ये बैकलॉग भरा जाए। भारत की जो सबसे क्रीमी पोस्टें होती हैं आईआईटी की, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में एक रिकॉर्ड ये कहता है कि 98% जो है ऊंची जातियों के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, साथ साथ उनके जो हेड हैं चांसलर, वाइस चांसलर, वहाँ भी 1% हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ। तो कभी आपने इसकी बात क्यों नहीं की, जब इन सरकारों ने लेटरल एंट्री जारी की और बिना आईएएस से भी बड़ा जो प्रमोशन लेने में 15 साल लगेंगे, आपने ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी बना दिए, कभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया कि इसमें भी एससी एसटी के लोगों को जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका मिलना चाहिए। साथ साथ आपको, नीरज भाई, आपको तो एहसास होगा लेकिन सोए हुए समाज को एहसास नहीं है, जब बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण के लिए कह रहे थे और उन्होंने 340 पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बात की, तो पिछड़े वर्ग के जो लोग जागरूक नहीं थे, और मुझे कहने में कोई संदेह नहीं कि जब मंडल कमीशन आया तो भी पिछड़े वर्ग के ही लोग उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको उस ताकत का एहसास नहीं था। आज हमारे ही लोग तो उनको खुशी महसूस हो रही है कि भाई उनको लगता है इससे उनको अवसर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ कि जब रोस्टर लगेगा तो उनका नंबर ही नहीं आएगा। हाँ, मेरी बात को याद रखना, वो जब रोस्टर बनेगा तो उनको, उनकी जो है ना आंखें खुल जाएंगी, उनको पता लगेगा कि उनको तो कहीं जगह मिली ही नहीं, पद ही इतने कम निकाले जाएंगे। हाँ बिल्कुल,
भाई ये जो हुआ है, पहले यूनिट होती थी डिपार्टमेंट वाइज, अब जो पूरी यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी वाइज वो होती थी, यूनिट होती थी, अलग अलग विभाग कर दिए गए, तो चार छह वैकेंसी निकलेगी तो आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, फिर आप कहोगे कि भाई हमें कुछ मिला नहीं है। तो अभी मैं कह रहा हूँ ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जो इसकी गंभीरता में उतरेंगे उनको एहसास होगा। तो ये एक बड़ा विषय है और हम इसको लगातार, 150 पेज का ऑर्डर था जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े 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 समुदाय को ये प्रभावित कर रहा है, तो इसलिए इसको स्टडी करना समाज का नेतृत्व करता होने, जबकि हमारी पार्टी में भी कुछ लोगों का ऐसा मत है, हमारे साथियों का, कि उनको इससे फ़ायदा होगा। तो क्योंकि पार्टी में डेमोक्रेसी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैंने उनसे कहा कि वो अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन अगर चर्चा करेंगे तो शायद उनको भी एहसास हो जाएगा कि इससे एट द लास्ट समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और जातिगत आरक्षण खत्म कराने के लिए सबसे बड़ा हथियार हम उनके हाथ में सौंप रहे हैं, इसका समर्थन करें। आप क्लास वन को छोड़ दीजिए, सबसे निचले पायदान पे सफाई कर्मचारी का काम है, गटर में लोग उतरते हैं। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से कभी सुना, पिछले 5 सालों में 377 से ज़्यादा जान चली गई है गटर में उतरने वाले लोगों की, कभी सुना कि उन परिवारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि इनको मुआवजा दो? और तो और सफाई कर्मचारी की जो नौकरी है उसमें भी हमारे साथियों को, समर्थन करने वाले साथियों को एक बार देखना चाहिए, क्या उनको पक्की नौकरी मिल पा रही है? संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग, 5,000, 7,000, 11,000, जो इस पेशे में भी, इस जॉब में भी पक्की नौकरी नहीं दे रहे हैं, उसमें भी ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से बहुत कम पैसे पे, कच्ची नौकरी पे, ठेकेदारी पे, आउटसोर्सिंग पे, संविदा पे उनके, उनका मैला उठाते रहें। वो इतने हितैषी कब से हो गए हमारे लोगों के कि वो उनका हित सोचने लगे हैं? और हित अगर सोचा तो 75 साल में क्यों नहीं सोचा आपने? मैंने तो आपको, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ नीरज भाई, आपको याद होगा मैंने गोरखपुर में पीसी की थी और मैंने मांग की थी अब से 1.5 साल पहले कि जो शेड्यूल कास्ट में जातियाँ हैं उनमें 66 जातियाँ तो दिखती हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी भी दिख जाते हैं, लेकिन बाकी जातियों के नहीं दिखते। तो जब EWS लागू किया आप लोगों ने, तो मेरा ये सवाल था कि अब आपको चाहिए कि जब आप आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहते हैं, कैप ख़त्म करना चाहते हैं, तो अब आपको चाहिए कि अब आप उन जातियों को रिप्रेजेंटेशन दो, आरक्षण की सीमा बढ़ाओ और 5% अलग से रिजर्वेशन उनको दो। ये मेरी मांग थी 1.5 साल पहले, ऑन रिकॉर्ड, आप चेक करवा लेना। और मैंने ये मांग की जो पिछड़े वर्ग में भी जो जातियाँ हैं उनको जो 27% मिल रहा है, और जो जातियाँ नहीं जिनको मौका मिला उनको अलग से जो है आप 15% आरक्षण दो, जबकि बैठता तो 52% है, लेकिन आप जो है 27 और 15 जो है 42% ही कर दो। और ऐसे ही मैंने शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए भी कहा था, मुझे चिंता है, मैं इन वर्गों से आता हूँ, मैं इनकी पीड़ा को समझता, क्योंकि चाहे हम IAS बन जाए, चाहे हम IPS बन जाए, चाहे हम वकील बन जाए, चाहे जज बन जाए, चाहे MP MLA बन जाए, आप महसूस कीजिए, एक पत्रकार साथी ने मुझसे पूछा कि बड़े दलित नेता हमारे साथ है, तो मैंने उनसे कहा कि देखो मुझे वोट सब लोगों ने दी और मैं सबकी राय लेने रहा तो दलित नेता ना, और मैं तो चलो एक बार का MP हूँ, लेकिन माननीय बहन जी चार चार बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे को उन्होंने अपना नारा बदल दिया, भोजनता भोजन सुखाए से सर्वजनता सर्वजन सुखाए कर दिया, फिर भी आप उनको दलित नेता कहते हो, काशीराम साहब को भी कहते थे, और पिछड़े वर्ग में चौधरी चरण सिंह इतने बड़े नेता थे, आप उनको किसान नेता की उपाधि भी दे पाए, आप उनको जाट नेता कहते रहे, सर छोटूराम को जाट नेता कहते रहे, तमाम लोगों को। अच्छा और छोड़िए, आपको याद होंगे कपूरी ठाकुर, बिल्कुल, अब सामाजिक न्याय पर उनसे बड़ा काम तो किसने नहीं किया होगा, इतने के बावजूद भी उनको सिर्फ और सिर्फ गालियां मिली और उनकी जाति का नेता तक कह के उनको जो है कहा गया बार बार। ये मैं वो दर्द है जो आपको बता रहा हूँ कि हम कुछ ही बन जाएं लेकिन हमारा कास्ट स्टेटस नहीं बदलता है, हमें कितनी भी काबिलियत हो जाए लेकिन हमें फिर भी इस देश में EWS लागू हो गया फिर भी आरक्षण पर गाली शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों को खानी है। जब राष्ट्रपति बनने के बाद जाति स्पेशल बताई जाती है, अब आप समझिए ना, मैंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री 2018 में 19 के चुनाव से पहले विस्तार करते हैं तो बताते हैं भाजपा के लोग यही कि हमने इतनी जाति के मिनिस्टर बना दिए, इस जाति के बना दिए, जब वो राष्ट्रपति बनाते हैं तो कहते हैं हम दलित समाज को, समझिए ना, जब वो राष्ट्रपति बनाते हैं तो पूरे दलित समाज के लोगों की तरफ वो करते हैं कि देखिए हमने दलित समाज के रामनाथ कोविंद जी को बना दिया, मंदिर में अपमान हो जाता है। और जब वो आदिवासी जो हमारी बड़ी हैं, महामहिम है, उनको जब राष्ट्रपति, तो ये चिल्ला चिल्ला के देखिए आदिवासी को बना दिया, दलित को बना दिया, तो आप समझिए फिर मगर वो मंदिर में नहीं जा पाएंगे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा पाएंगे, उसके जो है और कोई आयोजन होंगे उसमें नहीं जा पाएंगे,
क्योंकि जाति जो है वो जाति नहीं है, ये तो मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ। जाति तो आदमी के साथ आती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर कोट कर रहे हैं कि भारत में जाति व्यवस्था एक ऐसी सीढ़ी है जो जिस पायदान पर पैदा होगा उसी पर मरेगा। कोई कितना भी ज्ञान कर ले, कभी भी शेड्यूल कास्ट का वो का व्यक्ति पीएचडी करके एमपीएड करके वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। आप कह रहे हैं कि स्टेटस नहीं बदल सकता सुप्रीम कोर्ट में, और ख़ास तौर से एससी समाज के ही एक जज कह रहे हैं, और मतलब 7 में से 6 जज सवर्ण थे, एक एससी रख लिया था उन्होंने, वो भी हालांकि उन्हीं की तरफ बोल रहे थे। वो कह रहे हैं कि क्रीमिलियर पैदा हो गया है। क्या आपको महसूस होता है कि क्रीमिलियर पैदा हो गया है? कितने अरबपति पैदा हो गए शेड्यूल कास्ट में, कितने अरबपति पैदा हो गए? और अगर क्रीमिलियर पैदा हो गया है तो फिर अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लखनऊ में जो है पीजीआई में जो एनएफएस आपने किया, तो अगर इतने क्रीमिलियर पैदा होगी तो फिर एनएफएस कैसे हो रहा है? इतने पद खाली कैसे जा रहे हो? मैं फिर आपसे बीच में रोस्टर पे कहा था, इन देखिए शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी ऐसी जातियां हैं नीरज भाई, जिनमें अभी लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हुए। उन वर्गों के लिए जो वर्गीकरण का आधार दिया जा रहा है, अगर उनको वर्गीकरण कर भी दिया तो उनमें वैकेंसी ही नहीं आएगी, उनमें वो उस तरह का जो है व्यक्ति नॉट फॉर सुटेबल करना उनके लिए आसान है। उनके लिए लड़ेगा कौन भाई? पूरे वर्ग के लिए तो लड़ लेते हैं, हमारी एकता है तो हमारी ताकत है। अगर एनएफएस होगा तो पूरी जमात जो आगे लोग निकल गए वो लड़ लेते हैं। जैसे सोचिए किसी विभाग में जॉब के लिए हमें एमए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी अहर्ता है, और उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है। अगर सोचिए पोस्ट ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री का जो है स्टूडेंट नहीं होगा तो वो उस सीट पे आप क्या करोगे? जिन वर्गों मैंने आपका बहुत सारे जाते हैं, डोम है, डोमडा है, नट है, अगर उनमें एमए केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो उस सीट का क्या होगा? एनएफएस होगी, तो फिर उसको अपने लोगों को देना आसान हो जाएगा। मैंने कहा ना, यही आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टॉप 5 आईआईटी हैं उनमें आप देखें 98% अपर कास्ट का कब्जा है। इतना जब आप कह रहे हैं क्रीमिलेयर पैदा होगी सब कुछ होते भी, और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है रिटायरमेंट के बाद, किसी को किसी आयोग का चेयरमैन बनना है, किसी को जो है किसी कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, और किसी को चीफ जस्टिस बनना, तमाम लोगों की अपनी अपनी ज़रूरत है। तो मैंने इस पर मेरी लाइन है कि दरख्तों के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। और मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, आपको हाथरस की घटना याद है? हाथरस में एमपी थे राजवीर सिंह दिलेर, और बिटिया थी हमारी वाल्मीकि समाज की, और एमपी भी थे वाल्मीकि समाज के, लेकिन किधर खड़े थे? किधर खड़े थे वो? उन आरोपियों से मिलने, उनका पेपर लेने वहाँ गए, और वो आरोपियों के पक्ष में खड़े थे। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप हमारी जात के हो, जाति क्योंकि बनाई गई है, तो आप हमारे हित से नहीं हो सकते हो। आप अगर उस नीयत आपके साथ है, जैसे हमने अभी तक कोशिश की अपने संगठन में सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों के में नेतृत्व पैदा करने की, तो हम बहुत सही तरह समझते हैं जिनसे इस देश में अधिकारों के को छीनने की लड़ाई है। भाई कौन छीन सकता है? जो तैयार हो जाएगा, जो तैयार नहीं हो कैसे छीन सकता है? ऐसा थोड़ा है कि सब आगे रखा है, ये तो कंपटीशन का समय है, ये तो छीन के लेने का समय है। तो जो वही छीन सकता है तैयार हो गया, जो तैयार है उनको अलग करके और जो बाकी बच जाए उनका हिस्सा डकारने के, एक डाका लूट जो है हमारे अधिकारों पे डालने का वो है। और मैं इसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन भी दायर करूंगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे तो अपने स्वर्ण भाइयों की बहुत चिंता है। अब ईडब्ल्यूएस में स्वर्ण समाज की कितनी जातियों के लोगों को मौका मिल रहा है, और कौन कितने लोगों को जो है जो 90% पद खा जा रहे हैं ले जा रहे हैं, मुझे उनकी चिंता है कि उनको कैसे मौका मिले। ये तो जातिवार जनगणना बताएगी। हाँ अब जातिवार, अच्छा मैं तो चाहता हूँ जल्दी हो, ये जो आप लेके आए हैं क्योंकि आप ताकतवर हैं, आप कराइए ना। मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार जल्दी से कराइए, सबसे पहले इसके आंकड़े जुटाने के लिए जातिगत जनगणना करें। हम तो बहुत दिन से वो करे बैठे हैं, पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल पता लग जाएगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ किसी से, अपने लोगों से कह रहा हूँ झगड़ा मत करो, किसी पर सवाल मत करो, किससे कोई लड़ाई ना करो, बस जातिगत जनगणना होने दो।
जातिगत जनगणना, उसके आर्थिक आंकड़े जारी हो जाए, पता लग जाए किसमें क्रीमी ले रहे हैं, कौन किसका हिस्सा खा रहा है, कौन एनएफएस करके किसका हिस्सा खा रहा है या किसका प्रतित्व कितना है, सभी पता लग जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं तो अपने लोगों से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अपने लोगों से, भाई आपस में विवाद मत करो, अपनी एकता को बना के रखो। अगर हमारे भाइयों कुछ मिलेगा तो हम तो सबसे आगे खड़े हैं, पलके बिछा के कि उनको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो देने वाला है वो दे रहा है या पीठ में चाकू घोंपने का काम कर रहा है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपस में शेड्यूल कास्ट के लोग कोई विवाद मत करो, और सरकार से कहो तत्काल जातिगत जनगणना करा के आंकड़े जारी कर दे, आर्थिक आंकड़े, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों का आप समझो, ये एक तरह का लॉलीपॉप है जिससे कि हमारी एकता टूट जाए और हम आपस में एक दूसरे लड़ना, हम तो नहीं लड़ेंगे, हम तो अपने भाइयों के साथ बैठ के तर्क वितर्क करेंगे, उनको समझाएंगे, उनसे पूछेंगे उनके मन में क्या चल रहा है, और जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, आंकड़े आ जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि हम जो कह रहे हैं उनके लिए गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा, जब क्रीमी लेयर की बात होती है तो कुछ सवाल एकदम कॉमन है, आईएएस आईपीएस हो गए, कोई दो दो तीन तीन हो गए, उनकी पीढ़ियों को तीसरी पीढ़ी को क्यों मिले, कोई मुख्यमंत्री हो गया, कोई मंत्री हो गया, उनकी पीढ़ी क्यों मिले, इसका क्या जवाब है? देखिए, मैं इस बात पर स्पष्ट हूँ, अगर आप ये मानते हैं कि एक दो तीन पीढ़ी को, तो फिर मेरा ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जाता है, माननीय हाईकोर्ट की तरफ जाता है। अभी जो जज साहब हैं, जस्टिस चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनके फादर भी चीफ जस्टिस रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ करना चाहते हो तो पहले अपने अंदर तो जो कमियाँ हैं उनको तो दूर करो। क्या देश के सर्वोच्च न्यायालयों पर 200-250 परिवारों का कब्जा है? मुझे तो चिंता है सामान्य जाति के लोगों की। मैं कह रहा हूँ SC ST OBC मुस्लिम के दरवाजे आपने बंद कर दिए वहाँ कि वो नहीं घुस सकते, लेकिन कम से कम सामान्य जाति के और परिवार में तो योग्यता, उनको तो मौका दे दो। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन की बात क्यों नहीं करते आप? में ऐसी कौन सी योग्यता है? कोई टेस्ट होता है, चपरासी के लिए टेस्ट होता है या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस देश के लिए जो है, बड़े बड़े कानून बनाने वालों के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, उसके लिए बस एक ही योग्यता है कि आपके बाप जज रहे हों, आपके दादा जज रहे हों, आपकी माँ जज रही हो, आपकी बहन जज रही हो, आपके जो है बहनों जज रहे हों, आपके चाचा जज रहे हों। तो ये जो लूट है, इस लूट को भी समझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप 5 ST जजों की पीठ बना दो, तो जब वो है ही नहीं, तो आपको अगर इतनी चिंता है तो सबसे पहले अपने यहाँ लाओ, डाइवर्सिटी अपने यहाँ लाओ, अपने यहाँ लाओ ये डिस्क्रिमिनेशन, अपने यहाँ जो ये जो हकमारी, पहले इसको ख़त्म करो। और मैंने बहुत सारे आंकड़े आपको दे दिए, ज़्यादा आंकड़ों में जाता नहीं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो इतना बड़ा बैकलॉग है इसको भरो, पहले पूर्ण सामाजिक न्याय करो। और मैं कह रहा हूँ, दो जितने राज्यपाल हैं उनमें भी SC ST के लोग कोटा दो, जितने विधान परिषद के सदस्य हैं उनमें भी SC ST कोटा दो, जितने राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें भी SC ST कोटा कर दो, अगर इतने आप विदेशी हो, जितने जो है तमाम इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भी SC ST के लोगों का जितना जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कुलपति हैं, जो पत्रकार हैं, जो और मंत्रालय हैं, उन सब में भी SC ST के लोगों को कोटा दो। अंत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी IAS IPS बन गया है या सक्षम हो गया है, तो क्या गाँव में उसके साथ जातिवाद नहीं होता है? अगर वो बढ़िया शादी करेगा तो क्या उसके साथ भेदभाव नहीं होता है? मुझे रखने पे देश में हत्या होती है, जितेंद्र मेघवाल होता है, मटकी छूने पे हत्या होती है, घोड़ी पे बैठने बारात निकालने पे हत्या होती है, सामूहिक जो है मारपीट होती है, नरसंहार होते हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या सरकारी दफ्तरों में जो है कर्मचारियों के साथ नहीं होता है क्या? या पढ़ी लिखी सोसाइटी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, IIT में, IIM में इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, प्रमोशन से रोक देते हैं, अगर और देखो चिंता है आपको, आप छेड़ दिए लाइन, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए, तो आपने उसकी कितनी मॉनिटरिंग करी, कितनी जगह पर दिलाया, कितनी सरकारों को आपने दबाव बनाया? तो असल है आपकी नीयत कि आप आरक्षण खत्म, जातिगत आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना चाहते हैं, और फिर आपका सबसे अमीर आदमी सबसे गरीब सर्टिफिकेट बनवा के फिर जो है वो कुर्सी बैठेगा और हमारे लोग सेवा करेंगे, और ऐसा ही आप चाहते हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इस बार तारे दिखा देंगे, सबको याद रहेगा। अभी हमने कोई घोषणा नहीं की है कि हम किस तारीख में करेंगे, ये जल्दबाजी का समय नहीं है। तमाम पार्टी के जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे MP MLA उनको बुलाऊंगा, तमाम जो बुद्धिजीवी उनको बुलाऊंगा, उनसे बैठकर चर्चा करूंगा, और इस ये जो एक षड्यंत्र किया है हमारी एकता को तोड़ने का, हमारे भाई, इससे किस तरह से निपटा जा सकता है और किस तरह से अपने लोगों को जागरूक किया जाता है, इस पर एक जो है ना एक बड़े अधिवेशन की जरूरत है, सेमिनार की जरूरत है, उसकी तैयारी मैं जाके यहाँ से करूँगा। बस एक लाइन, लास्ट लाइन बोल दीजिए कि SC ST के साथ हम, मैं तो ये भी डिमांड करूंगा कि OBC का क्रीमी लेयर भी समाप्त किया जाए, वहाँ भी लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास था। देखिए, मैं सरकार से
ये मांग करता हूं कि सरकार इस पर अध्यादेश लाए, और साथ साथ अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा सबसे पहले ये 27% पिछड़ों का आरक्षण इसलिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी लड़ाई लड़ने वाले लोगों को निकाल दिया गया, इसलिए 3 या 4% मिल रहा है। तो मैं मांग करता हूं कि ओबीसी का क्रिमिलेयर सबसे पहले ख़त्म किया जाए। ओबीसी का क्रिमिलेयर ख़त्म होगा और शेड्यूल ट्राइब में क्रिमिलेयर की जो बात करने वाले लोग हैं उनको पहले देखना चाहिए कि जो लोग सक्षम हो गए क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, छुआछूत हो रही है नहीं हो रही है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम पे, क्या सामान्य जातियों में शादी ब्याह होने लगे जो लोग सक्षम हो गए? क्या उनको जो है जाति के आधार पर अपमानित नहीं होना पड़ता है? मैंने तो एक जज को देखा और जज के का जो एक वो था उनका पेशकार वो उनके पानी में थूक देता था। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में देख ली जस्टिस कर्णन की क्या स्थिति? हाँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है और समाज को समझदार होना पड़ेगा, चीज़ों को का तथ्यात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, तभी उनको समझ में आएगा कि दुश्मन की साजिश कितनी खतरनाक है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने विस्तार से इस मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, चाहे उसमें क्रीमिलेयर का मामला हो, वर्गीकरण का हो। लब्बोलवाब पूरी बात का ये है कि अभी हमारा पूरा बहुजनों का प्लॉट, SC ST का प्लॉट, OBC का प्लॉट दूसरे के कब्जे में है। पहले प्लॉट तो अपने कब्जे में आए, फिर हम देख लेंगे किसका हिस्सा कौन खा रहा है। और इसी मुद्दे से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण डिमांड कि बिना जातिवार जनगणना के पता कैसे चल गया कि किसका हिस्सा कौन खा रहा है। बहरहाल इस पूरी डिबेट पर अभी लंबी सियासत होगी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज़ाद समाज पार्टी ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि वो वर्गीकरण के सीधे तौर पर खिलाफ नहीं, वो भी चाहते हैं कि और जातियों को हिस्सा मिले, लेकिन असली मामला नियत का है। और इस पूरे मामले को उनको लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की ये शुरुआत का कदम है। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद, शुक्रिया भाजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो सब लोग, जोर से जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। और जिस दिन ये पार्लियामेंट में लगा था नारा और जय विज्ञान, उसी दिन से सब लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन अब ये चलेगा और बहुजन समाज एकजुट रहेगा और अपने अधिकार छीन के लेगा, प्लाट भी अपना होगा और कब्जा भी अपना होगा।